नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल की एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर महाराष्ट्र में यहां पर जो है सरकारी कर्मचारी शिक्षक जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सरकार बनते ही महाराष्ट्र के कर्मचारियों के लिए पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का यहां पर वादा किया है। की आपकी मीटिंग झाली तो क्या झाला भाई, तुमच्या पैकी ते घटक कसे करणार भाई, काय होतं तुमचा आंदोलन हे होणार हे फायदामुळे पूर्ण पूर्ण राजकारण हे शिवसेने सोबत केलं की तुझ्या सोबत सुद्धा करणार नाही असं तुम्हाला वाटतंय। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वितेश खांडेकर जी की अगुवाई में महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित किया गया था। यह ऐतिहासिक राज्य स्तरीय पेंशन अधिवेशन रहा। महाराष्ट्र और देश के दिग्गज राजनेता पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन देने यहां पर पहुंचे थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नानाजी पटोले सहित तमाम राजनेताओं ने ओपीएस बहाली मुद्दे को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। यह कार्यक्रम NMOPS के बैनर तले यहां पर हुआ, साथ ही यूनिट MRGPS के सभी साथियों ने इसमें जो है अपना सहयोग दिया। तो इस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड को लेकर सरकारी कर्मचारी यहां पर जो है महाराष्ट्र में आ रहे चुनाव का लाभ उठाना चाहते हैं और जगह जगहों पर अपनी डिमांड सरकार तक पहुंचाने के लिए सभाएं और सम्मेलन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप भी ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड यहां पर करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।